नमः शिवाय। जब बैल्कनी को सजाने की बात आती है तो सबसे पहले हमारे मन में आता है कि गमले, सुंदर सुंदर पौधे, कुछ भी आर्टिफैक्ट्स, ये सब बैल्कनीज में रख देते हैं। वास्तु में नॉर्थ ईस्ट बहुत सेंसिटिव डायरेक्शन है, तो क्या नॉर्थ ईस्ट की बैल्कनी भी सेंसिटिव बनती है? क्या नॉर्थ ईस्ट की बैल्कनी में भी पौधों को सोच समझ के रखना चाहिए? कौन से पौधे रखने चाहिए, कौन से नहीं रखने चाहिए? क्या बैल्कनी टू बैल्कनी भी डिपेंड करता है? यस, बिल्कुल करता है। नॉर्थ ईस्ट की बैल्कनी में कैसे पौधे आने चाहिए यह मैं आपको बताता हूं। नॉर्थ ईस्ट से मैग्नेटिक एनर्जी हमारे घर के अंदर आती है, और अगर हम यहाँ पे भारी गमले रख देते हैं और बहुत बड़े बड़े पत्तों वाले बहुत ऊंचे ऊंचे पौधे रख देते हैं तो पौधे इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगते हैं, आगे ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो आपने जो बहुत बड़े पौधे हैं, जैसे कि भारी भारी पाम के प्लांट्स, रबर प्लांट्स, और ओवरऑल कई बारी हम फ्रूट ट्रीज लगा लेते हैं, जैसे कि मैंगो के पेड़ आजकल गमले में लगने लगे हैं, मौसमी के पेड़ लगने लगे हैं, लेमन के पेड़ लगने लगे हैं। इस प्रकार के कोई भी पौधे नॉर्थ ईस्ट की बैल्कनी में हमें नहीं रखने हैं। जब भी हमें यहाँ पे गमले और पौधे रखने हैं, इस चीज का ध्यान रखें कि एक गमले में ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 kg मिट्टी, 20-20 kg के गमले, 50-50 kg के गमले यहाँ पर वेट क्रिएट कर देंगे और हमारा एनर्जी डिसबैलेंस क्रिएट हो जाएगा। एनर्जी डिसबैलेंस क्रिएट होने से हमारी लाइफ में भी तो एनर्जी डिसबैलेंस क्रिएट होगा। हमारे घर को नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो किसी भी तरीके से यहाँ पे ज़्यादा मूर्तियाँ आपको नहीं रखनी, ज़्यादा भारी फर्नीचर आपको नहीं रखना। नॉर्थ ईस्ट की बैल्कनी के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। तो इस बैल्कनी में आपने छोटे गमले रखने हैं, इस प्रकार के साइज के। अब उन गमलों में क्या रखना है? उन गमलों में आप मां तुलसी सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में लगाएं। इसके लगाते ही जितनी भी एनर्जी है वो बहुत पवित्र हो जाएगी और एक तरीके से मेडिकेटेड हो जाएगी, हमारे घर से बीमारी दूर हो जाएगी। तुलसी जी बहुत ही शुभ मानी जाती है, और कोशिश कीजिए कि तुलसी जी का भी गमला बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत भारी नहीं होना चाहिए। टाइम टू टाइम इनकी आप कटिंग कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तुलसी जी के नीचे भी आपको सपोर्ट देने के लिए भारी जगह, भारी सामान नहीं रखना है। और तुलसी जी के साथ अगर आप एक आंवले का पौधा रखते हैं तो घर में मैरिटल हारमनी बहुत अच्छे से बनती है। मैरिटल हारमनी मतलब जो हमारे कपल रिलेशनशिप होते हैं उसमें मधुरता बहुत आती है। मधुरता बहुत ज़रूरी है जीवन में। तो आप ये दो बातों का ध्यान रखें कि तुलसी और आंवला नॉर्थ ईस्ट की बैल्कनी में लगाएं, और अगर चाहते भी हैं तो बहुत छोटे छोटे फूल के गमले, पीले फूल के गमले आप यहाँ पे रख सकते हैं, मैरीगोल्ड भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। डिपेंड करता है बैल्कनी में आपकी कितनी जगह है। और हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आ रहा हूँ के लिए मैं एक बार फिर से तैयार हूँ। आ रहा हूँ मैं आपके घर आता हूँ और आपके घर के वास्तु डिफेक्ट्स को ठीक करता हूँ। अपने रजिस्ट्रेशंस सामने लिखे नंबर पर सेंड कीजिए, वीडियोस भेज सकते हैं, फोटोज भेज सकते हैं और अपने बारे में कुछ भेज सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके घर आकर के। आ रहा हूँ मैं रजिस्ट्रेशन कराइए और मुझे अपने घर बुलाइए। ओम नमः शिवाय।